हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सब्जेक्ट आप कर रहे हैं डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है जी. सेक्शन बी चल रहा है अपना. सेक्शन बी का अपना टॉपिक चल रहा है एमएसएसएस. कल एक वीडियो देते मैं शेयर की थी, लास्ट टॉपिक है अपना. ठीक है, इस टॉपिक के नाल ही अपना जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. आई होप वधिया ढंग नाल तुसीं वीडियो सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो अच्छी तरह. ठीक है, कल वाली वीडियो के स्टूडेंट आप की डेफिनेशन की प्लस पांच फीचर्स आप डिस्कस कर लिया एम एस एक्सेस दिया. आज आप सिक्स्थ जी अपनी फीचर है तो शुरू करा. सिक्स फीचर इज एज एस एस हैज प्रोसीजर प्रोग्रामिंग टेक्निक सो द एप्लीकेशन कमांड कैन बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंट. हूँ कहें आप पता है भी मैं तुम्हें दसिया कल एम एस 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 की इज अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोसीजर मतलब अपन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पैने, अपन कोई प्रोसीजर फॉलो करना पैदा है कुछ भी लिखने के लिए, कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पैनी है. तो कहते हूँ एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सो ऑल द सीक्वेंस ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस वाइज. प्रोसीजर है, सब कुछ काम सीक्वेंस वाइज हो रहा है, तो जी एग्जीक्यूशन है वो भी सीक्वेंस वाइज ही हुई. सेवंथ इज इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सटेंशन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ लो स्टूडेंट, पहले तो सी लैंग्वेज की होनी है, फिर सी प्लस प्लस करने लगे. सी प्लस प्लस की है इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. सी प्लस प्लस के कुछ भी असैस करना बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो जोड़ा है वो असैस कर पाए. सेम वे जी अपनी एम एस एक्सेस है वो भी की है ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सटेंशन. यू कैन ऑल्सो यूज ऑब्जेक्ट इन एम एस एक्सेस. एट्थ वन इट इज ईजी टू लर्न एंड बिकम मास्टर इन नो टाइम. ईजी टू लर्न है, कहते कोई भी बंदा मास्टर बन सकता है विदाउट टेकिंग एनी सो मच टाइम. यू कैन ऑल्सो बिकम अ मास्टर इन एम एस एक्सेस इफ यू आर डूइंग सम कमांड्स. ठीक है ना, कुछ कमांड्स करने ना भी की बन सकते हो, मास्टर बन सकते हो एम एस एक्सेस. ईजी टू लर्न है बिकॉज. नाइन्थ इज इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्पेसिफाई द अडॉप्ट क्वेरीज ग्राफिकली ओवर एन ओरेकल डेटाबेस स्टोर इन अ यूनिक्स सर्वर. ऑल्सो फ्रॉम द रिपोर्ट्स कैन बी मेड ग्राफिकली. कहते हूँ ये अडॉप क्वेरीज होंगे. अडॉप क्वेरीज मतलब जो अपनी फॉर द टाइम बीइंग क्वेरीज है, मतलब फॉर द टाइम बीइंग मैंने कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, फॉर द टाइम बीइंग मैं कोई चीज़ देखना चाहनी है, तो उन्हें अडॉप क्वेरीज उन्होंने ग्राफिकली रिप्रजेंट करवाने के अपनी हेल्प करता है. ऑलसो जी आप फॉर्म्स वगैरह मैं तुम्हें दस एम एस एक्सेस फॉर्म्स बना सकते हो, रिपोर्ट्स क्रिएट कर दो, देखना ऑलसो भी असैस इन अ ग्राफिकल फॉर्म. टेंथ इज द रिलेशनशिप अमंग टेबल्स एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑन द फील्ड्स ऑफ द टेबल लाइक प्राइमरी की एक्सेट्रा कैन बी स्पेसिफाइड ग्राफिकली वेरी ईजली. हम कहें ये जी रिलेशनशिप होंगी है टेबल के कुछ कॉन्सटेंट कॉन्सटेंट होंगे, मतलब कुछ रुकावट लगाई जाएँ, कुछ कंडीशन लगाई जाएँ. जिमें मैं कहता भी मेरे टेबल के सिर्फ उही पर्सन आपकी इनफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं जो बी सी ए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है. ओनली दो स्टूडेंट कैन वॉच दीज वीडियोज. तो ठीक है, एक मैं एक की लगाती, एक कॉन्सटेंट लगाती, एक कंडीशन लगाती. तो इस तरह दी कंडीशन जी प्राइमरी की है या कोई ग्राफिकली डाटा लगाना, तो आप ईजली प्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग एम एस एक्सेस. 11th is it supports certain advanced queries, one of which is a cross-tab queries, a way of grouping the data by values one column and performing aggregation function within the group. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟੂ ਵਨ ਕਾਲਮ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਅ ਐਮ ਐਸ ਐਕਸੈਸ. पॉइंट नंबर 12 इज इट हेल्प्स टू इनपुट एंड एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम एसेस डाटाबेस टू अदर डाटाबेस सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल एसेस कैन इंपोर्ट टेबल फ्रॉम ओरेकल. कहने जे ने एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, कोई भी टेबल तुसी क्रिएट करना, यू वांट टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट दैट पर्टिकुलर टेबल, तो वो भी अपना एम एस 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 के कर सकते हैं. हम कहने मान लो अपना एस एस कोई टेबल बनाया, उन्होंने ओरेकल के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप ईजली कर सकते हैं. 13th पॉइंट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कॉल्स एनीथिंग दैट कैन हैव अ नेम एंड ऑब्जेक्ट. कहते हूँ मैं तुम्हें दसिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई भी चीज़ असैस करना है बाई यूजिंग ऑब्जेक्ट और चीज़ा कर सकते हो. एम एस 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 मेक्स इट ईजी फॉर यूजर इवन डिवेलप टू वर्क विद डाटाबेस. यू कैन क्रिएट टेबल्स, एडिट डाटा एंड यूज क्वेरीज टू
फिंदर डाटा कह रहे हैं। एम एस एक्सेल के विच की है, कोई भी यूजर बहुत ईजली किसी भी डाटाबेस में क्रिएट कर सकता है। ईवन तुसी टेबल बहुत ईजली क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करने तो बाद उसके विच कोई अपडेशन करनी है, एडिट करना है, कोई डाटा गलत हो गया उन्हें डिलीट करना है, कोई नवा डाटा इंसर्ट करना है, कोई फॉर्म क्रिएट करना है, मैक्रोज, ऑल द फीचर्स आर रिक्वायर्ड एंड ऑल द फीचर्स आर प्रोवाइडेड बाय एम एस एक्सेल। यू वॉन्ट विद वेरी लिटल एफर्ट्स टू असिस्ट इनक्लूड विजार्ड, तो बहुत ही कहना घट्ट जीडिया कोशिशा करनी पैदा, लिटल एफर्ट्स एरिया करने पैदा, बहुत ईजली अपन सारा डाटा अवेलेबल हो जाता है। एक एग्जाम्पल दी हुई इन्होंने, असैस कैन बी यूज टू एंटर एंड मेनटेन स्टूडेंट अवार्ड इनवेंट्री रिकॉर्ड वेयर हाउसिज टेलीफोन नंबर वंस द रिकॉर्ड आर स्टोर्ड एनी टाइप ऑफ क्वेरीज कैन बी आस्क। कहने मान लो तुम एक असैस के एक डाटा मेनटेन किया स्टूडेंट के अवार्ड का, जिद उन्हों का इनवेंट्री रिकॉर्ड रखा गया और टेलीफोन नंबर रखे गए हैं, ठीक है। तो कहने जो एक बार रिकॉर्ड जो टेबल के स्टोर हो गए, व्हेनेवर यू हैव टू रिक्वायर टू असैस दिस रिकॉर्ड यू कैन ईजली असैस ऑल दिस काइंड ऑफ रिकॉर्ड, तुम उन्होंने बहुत ही ईजी वे असैस कर सकते। एट द एडवांस लेवल असैस कैन बी यूज फॉर डिवेलपिंग कस्टम डाटाबेस एप्लीकेशन बाय इंप्लॉइंग असैस, नहीं जरूरत बस होना करके एग्जाम्पल में छोड़ सकते, ठीक है। उसके बाद आ गया इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू डाटाबेस ऑफ एम एस एस एस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अपन इन्होंने बारे पता होगा तो असैस बारे अपनी ईजी जी जानकारी ले सकते। सब तो पहले कि डाटा, डाटा तो सबू हम तो ही पता होगा डाटा की होंगे, डाटा मीनस फैक्ट्स एंड फिगर विच सेल्फ हैज नो मीनिंग बट इट हैल्प्स टू मेक द फैक्ट्स एंड फिगर मीनिंगफुल। डाटा वो होंगे जिदा आपका कुछ मतलब नहीं होंगे लेकिन ये दूसरे फैक्ट्स से फिगर को मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड डाटाबेस की होंगे जो तुम बहुत सारे डाटा को कलैक्ट कर लेते हो, यू कैन रिलेटेड द पर्टिकुलर सब्जैक्ट पर्टिकुलर डाटा जोड़ा है एक कस्टमर का एक अपना सिंगल रिकॉर्ड के एक सिंगल फाइल के मेनटेन करके रखते पूरा वह कलैक्शन ला लेने डाटाबेस की, तो वो अपना डाटाबेस बन जाता जिद एक कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड रखा गया कि उन्हें कस्टमर का एड्रैस की है, कस्टमर ने कहे टाइम पर की ऑर्डर किया, कदों आपको ऑर्डर की डिलीवरी की, इज द कस्टमर इज सैटिस्फाई विद अवर रिकॉर्ड और नॉट, ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वैन कंपलैक्स काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज प्लेस्ड इन समथिंग दैट इज कॉल्ड अ डाटा। फिर अपनी आ जाती है डाटाबेस फाइल की होंगी है, एक डाटाबेस के एक रिलेटेड स्टोर्ड इनफॉर्मेशन जी आप रखते हैं, कुछ अलग अलग तरह की इनफॉर्मेशन अलग अलग फाइल के जी स्टोर की जाती है, वो किसी की जाती है डाटाबेस फाइल के एक तरह की रिलेटेड इनफॉर्मेशन आप स्टोर कर। इन अदर डाटाबेस सिस्टम द टर्म डाटाबेस यूज टू रेफर टू ओनली दोज फाइल विच यू स्टोर डाटा, या दूजे शब्दों में कही है वो सारिया फाइल जिन्होंने किसी डाटा स्टोर करके रखे उन्होंने आप कह दें डाटाबेस फाइल के नाम जानते हैं। उस तो बाद आ गया अपना टेबल, एन ऑब्जेक्ट यू डिफाइन टेबल की होंगे भी कलैक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जो तुम किसी भी इनफॉर्मेशन रोज से कॉलम की फॉर्म के स्टोर करते हैं उन्होंने आप कह दें टेबल कह दें। हूँ टेबल के एक कंपनी की पूरी इनफॉर्मेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, वो प्राइमरी की लगा सकते हैं, वो आप कॉन्सटेंट लगा सकते हैं, सब कुछ जोड़ा है आप टेबल के उत्ते इनसर्ट कर सकते हैं। इन्हें पॉइंट अपन देख लें, फोर पॉइंट अपने डिस्कस हो चुके हैं स्टूडेंट, काफ़ी पॉइंट है, तो आई थिंक अज की वीडियो अपने इन्ने पॉइंट थोड़े थोड़े करवा देने हैं, वाला इन कंसैप्ट थोड़ा ज़्यादा डीप जाके अपन नहीं करना। फील्ड की होंगे कि फील्ड आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल, एग्जाम्पल नेम क्लास कोल नंबर जो कॉलम के नेम लेंगे दैट इज नॉन एज फील्ड ऑफ आ टेबल। डेटा टाइप्स की होंगी है, डाटा टाइप्स लाइक करैक्टर नंबर डेट एंड टाइम, जिम्मे कोई करैक्टर स्टोर करने करैक्टर डाटा टाइप लोगे, जीरो तो लैके नाइन का कोई नंबर स्टोर करना चाहते जो रोल नंबर है तो उसकी प्रॉपर्टी तुम डेटा टाइप की लोगे नंबर लोगे, जो किसी भी डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करवाने तो डेटा टाइप की लोगे डेट एंड टाइम, तो मतलब डाटा टाइप दस दी है भी थोड़ा जो फील्ड है उस किस तरह की इनफॉर्मेशन डिक्लेयर कर सकते हो फील्ड कर सकते हो। नेक्स्ट अपनी आ जाती है क्वेरी, क्वेरी की होंगे जो अपने क्वेश्चन होंगे हैं, क्वेरी इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड अ कस्टम व्यू ऑफ डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। हूँ क्वेरी के क्वेरी जिम्मे मैं कहता भी मैंने उन्होंने सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ जिन्होंने मार्क्स 60 तो बढ़ गए, मैं कोर्ट एक क्वेरी लगाती है तो हूँ मैंने उन्होंने सारे स्टूडेंट चाहे वो दो टेबल के पे है चाहे तीन टेबल के पे है उन्होंने सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो कर दिया जाएगा जिन्हों की मार्क्स जो 60 तो उपर इस तरह के क्वेरीज आप लगा सकते हैं। उस तो बाद फॉर्म की होंगे, फॉर्म मैं तुम्हें काफ़ी बार दस चुकी हूँ, फॉर्म की है डिजाइन इनपुट डिस्प्ले जिद इनपुट दें यूजर आपकी इनपुट दिता है उन्होंने उस बाद इनपुट दे के उन्होंने सबमिट करके आप प्रिंट आउट लेंगे ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज फॉर्म।
रिपोर्ट्स भी मैं तुम्हें दस रिपोर्ट्स की होंगी जो थोड़ा पूरा फुल फ्लैश कोई डाटाबेस बन गया वो डिजाइनिंग होगी फॉरमैटिंग होगी कैलकुलेशन समरी लाइक सब चीज़ें एक समरी तैयार कर देता है। समरी मतलब जो मैं पूरा रिकॉर्ड बनाया उसके मैं छोटी जी रिपोर्ट बना के किसी सामने रिप्रजेंट कर सकती हूँ। ठीक है जी, डाटा असैस पेजिज उस तो इलावा एच टी एम एल कोई पेजिज है कोई कस्टम असैस तुम इंटरनेट एक्सप्लोर से लगाई है तो डाटा असैस के सारे पेजिज में असैस कर सकते हो। दो रह गए डिस्कस करके खत्म कर दिया उसको, उस तो बाद आ जाने अपना मैक्रो। मैक्रोज की होंगी अपनी किसी भी कोई लॉन्ग फॉर्म है उसकी आप कोई शॉर्ट ट्रिक क्रिएट करनी है उन्होंने आप मैक्रो कह देने। कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह जिन्होंने तुम वारी बारी इंसर्ट नहीं कर सकते। मैक्रो इज एन ऑब्जेक्ट डैट स्ट्रक्चर डेफिनेशन इज वन ऑफ मोर एक्शन डैट यू वॉन्ट टू असैस टू परफॉर्म रिस्पॉन्स टू द डिफाइंड। मैक्रो की कहते हैं इस तरह के इवेंट बन जाते हैं जो तुम उन्होंने परफॉर्म करते हो तो कोई ना कोई एक्शन जो उन्होंने लागू होता है। टेंथ इज मॉड्यूल। मॉड्यूल की होंगे जो अपने को विजुअल बेसिक के फिर आप कहते छोटे छोटे कोई वैसे भी आम टर्म लिख लेंदा जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है उस चीज़ को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है उस चीज़ के एरर करने मुश्किल हो जाते हैं तो आप करते हैं उस छोटे छोटे हिस्सों के डिवाइड कर देने वो जो छोटे छोटे व्यूज होंगे जो हिस्से होंगे उन्होंने आप कह सकते हैं मॉड्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है जी, उस बाद नैक्सट वीडियो एम एस एस किस तरह स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है तो वो करा उस अलावा कॉम्पोनेंट जिमें आप बहुत बारी कर लिया मैं थोड़ा सेम मैक्रोज मड्यूल आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ये सिर्फ स्टार्टिंग रह गई है भी एम एस 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 में किस तरह देखो ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं मड्यूल्स हो गए मैक्रोज हो गए रिपोर्ट्स हो गई फॉर्म्स हो गए बहुत बारी डिस्कस हो गई है इन्हें आप डिस्कशन कर चुके हैं तो ये आप मैं तुम नहीं करवाऊंगी सिर्फ एम एस 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 में किस तरह स्टार्ट करना होगा तो कॉम्पोनेंट्स सारियाँ पता चल गई आप हमने डिस्कस की सारे कॉम एम एस 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 में स्टार्ट करने के लिए की करोगे स्टूडेंट स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे स्टार्ट तो बाद एम एस ऑफिस से भी जाओगे एम एस ऑफिस के एम एस 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 पाया होगा उतो तुम एम एस 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 में स्टार्ट कर सकते हो। ना अब जो थोड़ा फर्स्ट एम एस 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 का चैप्टर से हाउ टू स्टार्ट एन एम एस 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 एंड वट डिफाइन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एम एस 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 वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस तो बाद स्टूडेंट दो तीन दिन दिवाली की ब्रेक रहेगी। ठीक है तो दिवाली तो बाद आप नैक्सट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मंडे को तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू तो वधिया वधिया आपका सैलीब्रेशन करनी है तो जे थोड़े को टाइम लगता कल परसों तो जो वीडियो पिछले नहीं सुनिया प्लीज़ उन्होंने सुन लियो जो कोई डाउट होंगे तो आप मंडे को उन्होंने डिस्कस कर। ठीक है स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉच।